नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज पर प्रसारित नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इन दिनों हम नेताजी हाजिर हो पर एक विशेष कैंपेन चला रहे हैं, खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजू शर्मा जी, जो कि शिवसेना के जिलाध्यक्ष हैं और खरगोन के विभिन्न समाजसेवी जो कार्य उनसे जुड़े हैं, विशेष करके मुक्ति धाम जो यहाँ पर बना हुआ है उसमें उसकी सेवा समिति के मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे दूसरे अतिथि के रूप में दीप जोशी जी, जो कि एक सुपरिचित आवाज़ हैं शहर और पूरे ज़िले के लिए, साथ ही विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष का कार्य भी उनके पास ही है। और वर्तमान में जो कोरोना में सेवाएं दे रहे हैं संगठन के लोग, उनसे ऑनलाइन संपर्क करके विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी लेना, उनको अवगत कराना, ये कार्य भी देख रहे हैं। दीप जी, खरगोन में जो जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर आंदोलन चल रहा है, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, और ये एक तरह से कहा जाए तो पूरे जग जाहिर हो चुका है कि खरगोन जिला मुख्यालय की जनता चाहती है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। सब जब सब जानते हैं फिर ये इतनी देरी क्यों हो रही है और कहाँ से हो रही है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, भारत माता की जय हो। प्रतिदिन प्रातःकाल में जब हम सभी उठते हैं, सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करते हैं और ये कामना करते हैं हम सभी हिंदुस्तानी कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सबकी कल्याण की कामना लेकर हम काम करते हैं। विषय जो मुख्य है, जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इस विषय को लेकर जो अलख जगा है, जो बात, जो मांग एक आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है, निश्चित तौर पर ये जो चैनल के माध्यम से हमारे भाई पत्रकार अनिल जी पांडे निर्भीक होकर, निडर होकर, अपना समय देकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, इसी के पीछे कुछ चेहरे और हैं। आज चार पंक्तियों के साथ में उन व्यक्तियों का भी नाम लूँगा। हमारे बीच में हमारे वारिस भाई सनवर भाई, जो कि कई मुद्दों पर खरगोन में मेरे साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा का शूटिंग का कार्यक्रम हो या फिर उसका लाइव का कार्यक्रम हो, इन्हीं भाइयों ने आज जो है ये मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया है। चार पंक्तियाँ इनके लिए बोल रहा हूँ कि सभी धर्मों का आदर समान करते हैं, सभी धर्मों का आदर समान करते हैं, बसा के अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, और आसमां पे उड़ने वाले परिंदों को पता हो कि जमी पर रहने वाले भी हौसलों की उड़ान रखते हैं। ये हौसले की उड़ान है अनिल भाई आपकी, ये हौसले की उड़ान है वारिस भाई की, ये हौसले की उड़ान है सनवर भाई की, ये हौसले की उड़ान है उन सब बंधुओं की जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की मांग को आज एक आंदोलन का रूप दे दिया है। और जहाँ तक बात आ रही है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना में देर क्यों हो रही है, पूरा विश्वास है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, बनेगा, बनेगा। दीप जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, लेकिन कुछ कारक हैं ऐसे सामने आ रहे हैं, पिछली चर्चाओं में भी वो चीज़ें सामने आई जो कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर रुकावट पैदा कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि HW24 न्यूज़ चैनल जो है वो पूरी तरह से खुल करके जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का समर्थन कर रहा है, और हमारे चैनल के जो चीफ हैं वारिस खान सनवर खान जी, उन दोनों ने इसको एक मिशन की तरह लिया है, और उसी मिशन के तहत हम संघर्ष समिति से जुड़े या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न हस्तियों को बुला करके आम जनता में उठ रहे सवालों के जवाब हम उनसे पूछते हैं, और ये निरंतर अभी आगे भी जारी रहेगा। राजू शर्मा जी, शिवसेना का पिछले 2 दशक से वो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, और जिला अध्यक्ष की भूमिका में मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कोई सामाजिक कार्य किए होंगे शिवसेना ने या किन्हीं विकास कार्यों में अपना योगदान दिया होगा तो वो खरगोन जिला है, और उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। मुक्तिधाम खरगोन है, उसमें उनकी एक प्रमुख भूमिका है, वहाँ पे काफ़ी निर्माण हुआ है। सेवा समिति जो है शहर का मुक्तिधाम, खरगोन का एक समय उजाड़ की तरह था, लेकिन आज वहाँ पर जाकर हम देखते हैं
तो काफ़ी कुछ वहाँ पे हरियाली हो गई, कई व्यवस्थाएं जुटाई हैं, ये सब वहाँ पे जो मुक्तिधाम समिति और शिवसेना है इसका मिला जुला एक कार्य है। राजू जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शिवसेना जो कि अपने आप में किसी भी कार्य को चाहे तो वो बात के दम पे या लात के दम पे करवाती रही है, ये मेडिकल कॉलेज जो है इसकी स्थापना में जो संघर्ष चल रहा है, शिवसेना की क्या भूमिका है इसमें? जय श्री राम, भारत माता की जय। सर्वप्रथम तो मैं SW24 चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरा जन आंदोलन चेतना ले रहा है और आप उसके नींव के पत्थर की भूमिका में हो। निश्चित रूप से आप लोग बहुत बधाई के पूरी आपकी जो SW टीम की जो पूरी 24 टीम है उनको सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को। और आपने जिस अनिल भाई बताया कि शिवसेना अपनी बात पे और कोई भी काम कराने के लिए तत्पर है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये जन आंदोलन जो खरगोन शहर में खड़ा हुआ है इसके लिए पूरी शिवसेना में हम सब लोग साथ में हैं। सभी जितने भी राजनीतिक दल, इस बार मैंने देखा है कि इस जन आंदोलन को लेकर सारे भाजपा के, कांग्रेस के, सभी विभिन्न संगठनों के जो लोग एकजुट हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमको सफलता इसमें मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और हम कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शिवसेना साथ में है इस आंदोलन को आगे तक ले जाने के लिए। मैं पूरा अपना सहयोग दूंगा और जैसा भी आंदोलन में जैसी भी मेरी मदद की आवश्यकता होगी मैं ज़रूर दूंगा। राजू शर्मा जी, आप अपने बेबाकी राय देने के लिए मशहूर रहे हैं और अब समय समय पर बोलते रहें खुलकर। जो आंदोलन चल रहा है इसकी गूंज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, लेकिन स्थानीय जो भी सत्ता विपक्ष के जो भी प्रतिनिधि हैं ये अभी भी इनको अभी भी मनाना पड़ रहा है। पत्र देने के बाद भी ये है कि अब ये कब इकट्ठे होंगे, कब एक साथ खड़े होंगे और कब ये मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे या कब केंद्र को एक प्रस्ताव भेजेंगे, तो ये इतनी देर लगा रहे हैं। तो कहीं आपको यूँ नहीं लगता कि अभी भी वो जो राजनीति कीड़ा है वो इनके बीच में जिंदा है, अभी भी ये यही चाह रहे हैं कि कौन इसमें ज़्यादा अंक जुटा पाएगा और कौन कम अंक ले जाएगा? आपने बिल्कुल सही बात बोली। निश्चित रूप से यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, इनकी मैं कहूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण दो बार मेडिकल कॉलेज खरगोन खुलते खुलते रह गया। और इस बार भी यदि ये जन आंदोलन आप लोग जैसे खड़े हुए और इनके माध्यम से नहीं हुआ, तो ये फिर जो खरगोन का दुर्भाग्य कह लें कि पहले भी कई बार रेल आने का हम सुना करते थे कि रेल आ रही, मैं 3 दशक से सुन रहा था, लेकिन आज तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। हमारी बड़ी खरगोन की विडंबना है कि नर्मदा नदी हमसे 40-50 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम नर्मदा का जल हमको मिल नहीं पा रहा है। और इंदौर यहाँ से करीबन 100 मीटर, 110 किलोमीटर वो नर्मदा को ले जाके वहाँ के नेताओं और आज पूरे इंदौर शहर को नर्मदा का जल पिला रहे हैं। उज्जैन तक पहुँचा दिया। सकर मिल भी ऐसी थी, हमारे यहाँ सकर मिल भी आ नहीं पाई। हमारे इसके पहले जो कॉलेज थे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, वो हमारा खरगोन शहर का दुर्भाग्य है कि वो बोरावा में चले गया और भी दूसरे कॉलेज चले गए। लेकिन इस बार पूरा जिस प्रकार से ये जन आंदोलन खड़ा हुआ है, सारे अभी राजनीतिक दल और सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, प्रबुद्ध जन जिस प्रकार से इसमें भिड़े हुए हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं, तो इस बार बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं पाएगा। यदि ऐसा हुआ भी, यदि कोई निष्क्रियता रहेगी, तो आने वाले समय में चुनाव है, जनता उनको पूरा जवाब देगी और चुनाव के पहले ही वो अपने नेताओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी देगी कि यदि इस बार मेडिकल कॉलेज खरगोन में नहीं खुला तो फिर हम कोई भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। इस बार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनावी सीजन में वोटों की बाट जो होते हैं या उसकी फसल काटने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए हमारे इस मंच से कई जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हैं, जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं और शहर की जानी मानी हस्तियाँ हैं, वो कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े हैं, उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर कहीं भी इफ बट हुआ तो आने वाले चुनाव में वो जो फसल काटने का रास्ता देखते हैं वोटों की, कहीं ना कहीं उनको निराश होना पड़ेगा। दीप जी, इस आंदोलन में
सभी वर्गों से लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जन आंदोलन है, इसमें किसी प्रकार से कोई पक्ष विपक्ष या जाति वर्ग पॉलिटिकल ऐसा कोई मतभेद नहीं देखा जाना चाहिए और वो हो रहा है। लेकिन जो शीर्ष प्रतिनिधि हैं, कुछ मैंने अभी जैसे राजू जी से पूछा, वो अभी भी एक जाजम पर बैठने के लिए एक मंच पर आकर के किसी भी यहाँ की जनता के को एक विश्वास दिलाने में अभी तक असफल रहे हैं। क्या कारण है, बार बार क्यों पीछे छिटक रहे हैं वो? खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम सबका स्वप्न है और इस सपनों को साकार करने के लिए हम सभी जी जान से लगे हुए हैं। जहाँ तक सवाल है जनप्रतिनिधियों की, तो जनता जनार्दन के आगे सब नतमस्तक होते हैं। जब ये मांग आंदोलन का रूप धारण कर लेगी और आंदोलन के साथ जब ये जन आंदोलन बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये पूर्ण विश्वास है कि जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ए पार्टी के हों या बी पार्टी के हों, वे सभी एक जाजम पर आएंगे। आज जो स्वरूप देखने को मिल रहा है हमको, क्योंकि कोरोना काल में हम सब ने कुछ न कुछ खोया है, एक बहुत बड़ी त्रासदी का स्वरूप हम सब ने देखा है, उसी के परिणाम स्वरूप ये सब विषय, मेडिकल कॉलेज का विषय वहीं से छन कर आया है। क्योंकि जब हमने देखा कि हम हमारे परिजनों को लेकर जिला चिकित्सालय या अन्य चिकित्सालयों में दौड़े हैं और वहाँ हमको सुविधा नहीं मिली है, तो वो टीस जो है, वो टीस आज हमारे मन में है कि अगर खरगोन में मेडिकल कॉलेज होता तो निश्चित तौर पर हमको ज़्यादा यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती। कोरोना काल के अंतर्गत एक बात देखी जाए तो ये है कि सकारात्मक रुख भी जरूर रखकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। हंसते खेलते गाते हमको हर दुख हर तकलीफ का सामना करना चाहिए। याद है वो परिदृश्य, पिछले वर्ष जब कोरोना का आगमन हुआ था, तब हमने हमारे घरों के सामने दीपक जलाए थे, हमने थालियां बजाई थी, हमने तालियां बजाकर उन योद्धाओं का सम्मान किया था। और आज एक सकारात्मक पहलू ये कि जब पूरी दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है, तब उस परिदृश्य में कि अगले पल क्या होने वाला, ये डर लोगों के दिल में है, लेकिन आज भी हमारी भारत भूमि पर घर के परिवार की महिलाएं। दीप जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मैं यही पूछना चाहता हूं कि वही थालियों की आवाज़ें, वही तालियों की आवाज़ें, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? यहाँ पर जो भाजपा के दो दो सांसद बैठे हैं, उनके कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, प्रेम सिंह पटेल, उनके कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? अभी तक प्रस्ताव बन के यहाँ से नहीं गया प्रदेश शासन को या केंद्र की ओर, जहाँ भी व्यवस्थित रूप से भेजा जाना है, हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा जाना है, तो उन तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंची? ये आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको साधुवाद, और उन करोड़ों करोड़ जनता को साधुवाद जिन्होंने कि इस विषम परिस्थिति में, पहली कोरोना लहर में, अपने प्रधानमंत्री का साथ दिया, उनकी बात का साथ दिया, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ दिया, उनकी बात का साथ दिया। क्या आज नहीं चाहिए कि उस मुख्यमंत्री को इस क्षेत्र की जनता जो पल पल उसके पग पे पग रखती हुई चल रही है, अनुसरण कर रही है, उनकी मांग, छोटी सी मांग है, और वो मांग जो कि ऊपर से स्वीकृत हो चुकी है, स्थान को लेकर विवाद था वो हट चुका है, तो क्या जिला मुख्यालय पे एक घोषणा नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? जी हाँ, बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है, लेकिन सबसे बड़ा विषय आज की तारीख में जो है वो इस कोरोना काल के अंदर, चाहे छोटा सा जनसेवक हो या सबसे बड़ा जनसेवक हो, एक चपरासी हो या एक जिले का बड़ा पदाधिकारी हो, सबका ध्यान पूरा कोरोना की तरफ केंद्रित है। और कोरोना काल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो मुद्दा ये आंदोलन बना है, ये अभी पिछले एक डेढ़ महीने से इसका पूरा वातावरण बनना चालू हुआ है शासन प्रशासन की पूरी जानकारी में। जहाँ तक हम सब की जानकारी में कि खरगोन के लोकप्रिय सांसद महोदय ने खुले रूप से बोला है कि आप जिला मुख्यालय पर अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करते तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलने को तैयार हूँ, भोपाल मैं मुख्यमंत्री से बात करने को तैयार हूँ। प्रदेश के हमारे जिले के सांसद के अलावा खरगोन के जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक रवि भाई जोशी, उन्होंने भी बोला है कि मैं मुख्यमंत्री के पास चलने को तैयार हूँ। झुमा भाभी सोलंकी, वो भी भिकन गाँव से विधायक हैं, उन्होंने बोला है। केदार भाई डाबर विधायक, उन्होंने भी बोला है। सभी विधायक सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये नेताजी हाजिर हो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने आंदोलन खड़ा किया है, इस आंदोलन के अंदर भी सकारात्मक और हास्य, ये सब चीज़ जोड़ते हुए चलना चाहिए। आज कहीं अस्पतालों में देखने को मिल रहा है कि जो कोविड के पेशेंट है उनको स्वस्थ करने के लिए वहाँ का स्टाफ जो है नृत्य कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, गीत गा रहा है और खुशी का सकारात्मक वातावरण पैदा करना चाह रहा है। आज चूंकि इस बात का इतिहास साक्षी है कि जब जब हमारे पे संकट आया है, हम सब ने मिलकर एकजुटता से उसका, उस संकट का समाधान का प्रयास किया है, बहुत सारे समाज से भी है। एक छोटा सा प्रसंग मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टेंशन वाला वातावरण ना हो, क्योंकि टेंशन की परिभाषा ये कि टेन मतलब दस,
सन मतलब सूर्य, जब एक सूर्य की गर्मी से हम परेशान हो सकते हैं तो हम हमारे मस्तिष्क पे, हमारे दिमाग पे कोई टेंशन लेंगे तो बहुत परेशान होंगे। हंसी खुशी के वातावरण में ये जो कार्यक्रम चल रहा है नेताजी हाजिर हो, उसके अंदर शायद ही कोई पहला ऐसा वक्ता होगा जो कि इस प्रकार का प्रसंग बोलना चाहेगा। हास्य कैसा पैदा होगा, अपने बात को कैसा जोड़ा जाएगा, समाज सेवाओं को कैसा खड़ा किया जाएगा, मैं बताना चाहूँगा। छोटी सी बात, थोड़ा सा समय लूँगा आपका। एक बार का विषय कि मैं खरगोन से इंदौर गया, अभी राजू भाई ने भी जैसे बताया कि रेलवे की बात थी, हम रेलवे से भी दूर रह गए, इंदौर गए, इंदौर से मुझे रतलाम जाना था। मैं ट्रेन में जाके बैठ गया कि मुझे रतलाम उतरना है, ट्रेन आगे चली, आसपास के जो मित्र बैठे थे वो समाज सेवी थे, उनसे मेरी मित्रता हो गई। मैंने उनको बोला कि साहब मेरे को रतलाम उतरना है, उन्होंने बोला अरे ये ट्रेन तो रतलाम रुकती नहीं है, ये ट्रेन तो एक्सप्रेस है और सीधे बॉम्बे जाएगी। मैं बड़ा टेंशन में आ गया कि रतलाम में ट्रेन नहीं रुकेगी और मेरे को उतरना है, मैं कैसे उतरूंगा। फिर एक दो मित्रों ने समाज सेवी थे, उन्होंने बोला कि यार भैया चिंता मत करो, रतलाम प्लेटफार्म पे ट्रेन धीरे धीरे स्लो होती है, जब ये स्लो होगी तब आप चलती ट्रेन में से धीरे से उतरना और आप रतलाम उतर जाओगे, बहुत अच्छी बात है। रतलाम जिससे आने वाला था, मैं गेट पर जाके खड़ा हुआ, दो तीन समाज सेवी साथी मेरे साथ में खड़े हो गए जो यात्री बंधु थे, उन्होंने बोला भैया देखो आप ट्रेन धीरे हो रही है, आप धीरे से प्लेटफार्म पे उस दिशा तरफ दौड़ो जिस तरफ ट्रेन जा रही है, धीरे धीरे दौड़ना चालू करो, आप प्लेटफार्म पे उतर जाओगे। मैंने ऐसे ही करा, जैसे ही रतलाम में वो ट्रेन धीरे धीरे हो रही थी, मैं प्लेटफार्म पे उतरा और दौड़ना चालू करा। मैंने जोश में इतनी तेज दौड़ा कि इस डब्बे से अगले डब्बे के गेट के सामने पहुंच गया, वहां भी कुछ समाज सेवी खड़े थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि यार ये व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, उनको ऐसा लगा कि शायद इसको ट्रेन पकड़ना होगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लिया और बोलने लगा कि बड़े किस्मत वाले हो यार भैया आप, यार नहीं तो ये ट्रेन तो रतलाम रुकती नहीं है यार, आप किस्मत वाले जो कि आपको इसमें जगह मिल गई। अब उसको मैं क्या समझाऊं कि भैया मैं क्यों दौड़ रहा था। तो समाज सेवा के अंदर कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं और निश्चित तौर पर हमें संकल्प रखना है। एक छोटी सी बात बोलकर मैं अपनों को विराम करूंगा यहाँ पर कि एक बार क्या हुआ, एक गांव में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, गांव के सरपंच ने मुखिया ने पूरी पंचायत बुलाई, पंचायत में तय हुआ कि अगले दिन सुबह सभी उस मैदान में आएंगे और अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हम सबकी सुरक्षा के लिए अच्छी बारिश कर, ऐसी प्रार्थना करेंगे। अगले दिन पूरे गाँव वाले इकट्ठे हुए, देखिए विश्वास क्या चीज़ होती है, एक छोटा सा बच्चा भी उस प्रार्थना में आया, वो साथ में छाता लेकर आया क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि हम सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और घनघोर बारिश होगी, ऐसा विश्वास हमको जगाकर चलना पड़ेगा। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, सबका ध्यान अभी कोरोना में लगा है। इधर से जैसे ही हम, आप तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, बहुत केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना काल कम होगा तो हम सब जाएंगे और निश्चित तौर पर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज हमें मिलेगा। दीप जी बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन प्रजातंत्र में जनता जो है वो जनार्दन है, वो यहाँ पे कोई इंद्र नहीं है जिसकी यहाँ पे कोई उपासना करे या मांग करे, ये उनका ये सेवक हैं जो भी आज बैठे हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या सांसद विधायक, ये जनता के सेवक हैं, इनकी उपासना की आवश्यकता नहीं है, उल्टी इनको जनता की इच्छा शक्ति पता लगाना है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, एक जन आंदोलन को एकत्रित होना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, सही बोला आपने। राजू जी यही स्थितियाँ चलती आ रही हैं हमारे प्रदेश में भी, हम जब अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है राजनीतिक, तो हम इस दल इस क्षेत्र के लोगों के सारे दुखों को हम एक एक करके गिना देते हैं, लेकिन जब उन दुखों को दूर करने का वक्त आता है, यहाँ से चुन के वो प्रतिनिधि जाते हैं, तो वो अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं उनको पूरा करते हैं, वो अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, आम जनता के प्रति उनके जो भी वादे इरादे थे वो सब खत्म हो जाते हैं, तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा। आपने बहुत सही बात बोली कि मैंने भी बचपन से ही यही देखते आ रहे हैं कि जिस हम जनप्रतिनिधियों पर जितना विश्वास करके वोट देते हैं, उनको खड़ा करते हैं, और उसके बाद जब हमारी बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं पूरी हमारी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन इस बार जो जन आंदोलन खड़ा है, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होगा, इस आंदोलन में हम लोगों को जनता को साथ में जोड़ना होगा और इसके फ़ायदे भी बताना पड़ेंगे। जैसे इस आंदोलन में हम जैसे व्यापारियों को साथ में लेंगे, निचले वर्गों को साथ में लेंगे और उनको ये बताएंगे कि जब ये मेडिकल कॉलेज खरगोन खुल जाएगा तो कम से कम 500-700 विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे, कम से कम मैं समझता हूँ से 5-6 करोड़ का व्यापार खरगोन शहर में बढ़ेगा, व्यापारियों को भी निश्चित इसका लाभ मिलेगा और बहुत सारे जो अपने खरगोन शहर के जो बेचारे विद्यार्थी हैं उनको इंदौर और दूसरे कॉलेजों में ढूंढने में उनके माता पिताओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इससे जुड़े कई संस्थान भी यहाँ आएंगे क्षेत्र में,
और उनको भी जाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। निचले वर्ग, मजदूर वर्ग है जो है, जितना व्यापार खरगोन में बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। तो ये मेडिकल कॉलेज अब खुलना ही चाहिए खरगोन शहर में, और इसको जन आंदोलन बनाने के लिए सारी जो राजनीतिक दल हैं, संस्थाएं हैं, सब आके आके अपने स्तर पे इस आंदोलन को, जो अभी महज खरगोन के प्रबुद्ध जनों में, पत्रकारों में और राजनेताओं में है, इस आंदोलन को हमको घर तक ले जाना पड़ेगा। हमारे घर के माता और बहनों को बताना पड़ेगा इसके बारे में, और घर घर इस आंदोलन के जो फायदे हैं वो गिना के, और इसको पूरा जन आंदोलन जब बनाएंगे हम, निचले स्तर तक इसका पूरा जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी आपने बुरावा की स्थिति देखी है कि बुरावा की स्थिति, जब से ये कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह 2-3 कॉलेज खुले हैं, तो वहाँ का मतलब पूरी परिदृश्य ही वहाँ का बदल गया है। तो निश्चित रूप से खरगोन शहर का ये परिदृश्य बदलेगा, और अभी यही कोरोना काल में जो हमने अपने लोगों को खोया है, उससे भी हम मेडिकल कॉलेज आने के बाद उभरेंगे। अभी हमने पिछले समय तो ये देखा है कि खरगोन की जनसंख्या 15 से 17-18 लाख के करीब है, लेकिन पूरे खरगोन ज़िले में मात्र एक आईसीयू वार्ड है जिसमें कि मात्र 12 बेड हैं। ये बड़ा खरगोन का दुर्भाग्य है कि अभी हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, और अभी तक खरगोन शहर में इतने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद अभी तक मात्र एक आईसीयू है और उसमें मात्र 12 बेड हैं। अभी मैंने पिछले अभी यही बहुत सारे अपने लोगों को ऑक्सीजन के दौरान मरते देखा, उनको आईसीयू बेड नहीं मिलने के कारण मरते देखा। ये सारी सुविधाएं यदि मेडिकल कॉलेज खरगोन में खुल जाता तो हमको ये जो पिछले अपने लोगों को खोया है, और जो इतनी सारी विकट स्थितियों का हमको सामना करना पड़ा है, निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाएंगे और मेडिकल कॉलेज के फ़ायदे बताएंगे कि मेडिकल कॉलेज यदि आ जाएगा तो ये जो इतना कष्ट हमको इस कोरोना काल में हुआ है, ऐसी दूसरी कभी भगवान ना करे कि ऐसी कोई महामारी से हमको जूझना पड़े, लेकिन यदि जूझना भी पड़ेगा तो भी अगर मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो ये बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। कहते हैं कि किसी बहती हुई नदी के किनारे ही नगर की स्थापना करते थे हमारे पूर्वज, और वह नदी उस गांव के, उस नगर के विकास की एक गाथा होती थी। ये प्रमाण होता था कि नदी के किनारे बसा ये गांव जो है, ये प्रगति की ओर ही जाएगा, इसके लोग समृद्धशाली ही होंगे। कुंदा तो हमने सुखा डाली, बरसों बरस हम वहाँ की गाद निकालते रहे, कचरा निकालते रहे, हम सफल नहीं हुए। बड़े बड़े वादे इरादे हुए, करोड़ों अरबों रुपए उसमें लगा दिए गए, खपा दिए गए, लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों ने, ये कहना पड़ेगा हम लोगों ने, इस शहर की जनता उसमें सभी शामिल हैं, पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। क्या मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर जो संघर्ष हो रहा है, उसमें हम अपने पूरी तरह से दायित्व का निर्वहन करेंगे, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त समय है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। मैं जो खरगोन में अभियान छेड़ रखा है मेडिकल कॉलेज खोलने का, इसमें ये मानूंगा कि थोड़ा देर कर गए हम लोग। मेरी तन मन धन से इस संगठन को समर्थन है, और मैं चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे, हर हाल में मेडिकल कॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं मेरी तरफ से सर्वस्व योगदान देने के लिए तैयार हूँ। खरगोन नगर में मेडिकल कॉलेज सिर्फ खरगोन ही नहीं, पूरे ज़िले की जनता का अधिकार है, और इस आंदोलन के साथ हैं। जब तक मेडिकल कॉलेज खरगोन में शुरू नहीं होता, मैं सक्रिय रूप से इस आंदोलन के साथ हूँ। खरगोन जिला मुख्यालय पर कॉलेज का होना अति आवश्यक है। हम लोग क्षेत्र के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी से निवेदन है, हम लोगों ने अगर ठाना है, हमने संकल्प लिया है, आम जन भी संकल्प ले, खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना मतलब होना। क्षेत्र के विकास के लिए खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है, और खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ये हम सबका संकल्प है, और हम संकल्प के साथ ये कहते हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे। खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का स्वप्न हम सबका स्वप्न है। मैं इस संदेश के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे में जो भी प्रतिभा है,
पूरी प्रतिभा हम इस मिशन में लगा दें और खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके ही दम लें। खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनना ही चाहिए और ये जब तक हम यह सोच नहीं करेंगे कि ये मेडिकल कॉलेज हम सबके लिए नहीं है, ये केवल मेडिकल कॉलेज मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, इसी संकल्प दोहराएंगे और इसी संकल्प को हम यदि निश्चित रूप से हमारे अंदर ये कर लेंगे कि ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेरे ही लिए खुल रहा है तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इस यही मेरा संकल्प है और इसमें जैसी भी हम लोगों की मदद पड़ेगी इस आंदोलन में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार। मैं संजय चक्करवार मेडिकल कॉलेज खरगोन के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत हुई जिला मुख्यालय की उपेक्षा, जिला मुख्यालय खरगोन के लिए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज खरगोन जिला मुख्यालय में ही खुले, इसी में पूरे जिले का और शहरवासियों का भला है। जय हिंद। मैं खुशी भावसर, मैं एक विद्यार्थी हूँ। खरगोन में जो मेडिकल कॉलेज बनने का जो आंदोलन चल रहा है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। जब भी मेडिकल कॉलेज अगर बनेगा खरगोन में तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और साथ ही कई लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे को भविष्य में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, हम डॉक्टर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से और शिवराज मामा से निवेदन है कि वो जल्द ही हमारा ये निवेदन स्वीकृत करें और देश और हमारे खरगोन में मेडिकल कॉलेज जारी करें। मैं विकास प्रजापति, सदगुरु डिफेंस एकेडमी खरगोन से, और मैं और मेरी पूरी टीम इस मेडिकल कॉलेज खरगोन जिला मुख्यालय पर ही खुले ऐसा संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय पर होना ही चाहिए, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। वर्षों पुराना सपना देखा था मेडिकल कॉलेज का, परंतु किन्हीं कारण से राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है मेडिकल कॉलेज, और इसके लिए हमें जन जागरण अभियान चलाना चाहिए और खरगोन में मेडिकल कॉलेज नितांत आवश्यक है। मैं समर्थन करता हूँ खरगोन मेडिकल कॉलेज के लिए। खरगोन में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज को लेकर खरगोन का जन जन यही चाहता है खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज हो, पर दुख इस बात का है कि खरगोन की मेडिकल कॉलेज राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन मैं एज ए मनोज रघुवंशी मेडिकल कॉलेज खरगोन में हो उसके समर्थन में हूँ। नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि खरगोन नगर जिले का मुख्यालय है और यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया के रूप में इसको, ट्राइबल एरिया के रूप में इसको जाना जाता है। इस क्षेत्र का आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी तक ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, पिछड़ा क्षेत्र है और अभी इस समय और ये बहुत ज़रूरी हो गया है, कोरोना काल है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में इस क्षेत्र के लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि खरगोन प्रॉपर खरगोन नगर में ही मेडिकल कॉलेज खुले और इसके लिए अभी तक जो भी पत्राचार किए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, तो इसको हम आगे बढ़ाएं और इस जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज खुले, इस बात का मैं पूर्णतः 100% समर्थन करती हूँ और यह संकल्प लेती हूँ कि इस कार्य में मैं तन मन धन से इस कार्य में सहयोग दूंगी और चाहूँगी कि हमारे खरगोन नगर में ही मेडिकल कॉलेज खुले, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, दूर नहीं जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, और यहाँ भी प्रतिभाएँ हैं, उन प्रतिभाओं को भी अवसर मिले और इस तरह से हमारे क्षेत्र का कुछ विकास हो। धन्यवाद बहुत बहुत। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हैं दीप जोशी जो कि विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष हैं, हमारे दूसरे मेहमान राजू शर्मा जी जो कि शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। दोनों ही जमीनी स्तर पर एक लंबा अनुभव है उनका समाज सेवा का, और इस शहर के विकास कार्यों से या इस शहर की जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं उनसे काफ़ी नज़दीकी से दोनों जुड़े रहे हैं, अच्छे से इस शहर की इच्छाओं को, इस शहर की आदत को वो पहचानते हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि दीप जी, इस शहर के लोगों ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर रहा है और पहला ये जन आंदोलन है जिसमें कोई एक नेता नहीं है, पूरी जनता, इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं पूरी जनता एक आवाज़ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ी है। आज जो आंदोलन शुरू हुआ है,
हमने ये भी माना कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है इच्छा शक्ति की कमी रही। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से जनभावनाओं को पहचान नहीं पाए, इस क्षेत्र की समस्याओं को वो पढ़ नहीं पाए, वही कारण है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना में देर हो रही है। दीप जी, ये जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण अभी ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, आप लंबे समय से इसकी शुरुआत से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, ये आंदोलन और कहाँ तक जाएगा, इसका स्वरूप क्या होगा? बहुत साफ सुथरी बात है दीप जी, मैं रोकना चाहूँगा, मैं साथ में ये भी पूछूंगा कि इसमें जो अभी प्रगति हो रही है कार्य को लेकर वो किस हद तक हो चुकी है? पहली बात तो ये कि ये जन आंदोलन किस स्तर तक जाएगा, कैसा इसका स्वरूप खड़ा होगा, इसके लिए ये है कि सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है ये आंदोलन, और अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि खरगोन नगर में जिला मुख्यालय पर जितने समाज अलग अलग निवास करते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 7 दर्जन से भी अधिक समाज यहाँ पर निवास करते हैं, उन सब समाज अध्यक्षों से जाकर संपर्क किया जाएगा और वो सभी समाज अध्यक्ष अपने अपने लेटर पैड पर हमारे मांग पत्र पर ये लिख कर देंगे कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना आवश्यक है, वो अपना समर्थन देंगे। निश्चित तौर पर अभी जन आंदोलन नहीं बोल सकते हैं, अभी सिर्फ ये आंदोलन का रूप ले रहा है, लेकिन जिस रोज खरगोन नगर की प्रत्येक इकाई के प्रत्येक समाज के अध्यक्ष का पत्र इस आंदोलन समिति के पास आ जाएगा, तब एक आह्वान की आवश्यकता पड़ेगी और सब साथ में आकर खड़े हो जाएंगे। कोरोना काल के नियमों का पालन करना है, इसलिए कोई भीड़ इकट्ठी करने का अभी विषय नहीं है, अभी इनके पत्र हम प्राप्त करेंगे और वो पत्र के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आपने एक और विषय रखा था कि ये कहाँ तक इसका असर हुआ है, तो इसके लिए ये है कि असर यही बोलेंगे कि खरगोन के जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने खुद ने खुले रूप से लिख दिया है कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, विधायकों ने लिख दिया है, सांसदों ने लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि सफलता अब ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। वैसे भी जब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली की प्राचीर से हमारे युग पुरुष, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने यह बोला है कि जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। और यहाँ पर एक मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि कुछ दिन पहले ही जब मैंने मेरे बेटे से पूछा था कि इंदौर में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो लगभग 70-75 के लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैं आज आपकी इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, मैं बैठे हुए आला अफसरों से और उन जनप्रतिनिधियों से ये बात करना चाहूँगा, ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि जब हम इंजीनियरिंग पढ़ाई को इतना महत्व देकर जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, तो मेडिकल कॉलेज जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया है, तो क्यों ना हर जिला मुख्यालय पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खोलने की अनुमति दी जाए और इस मेडिकल से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा को इतने कम दाम पर कर दिया जाए, इतना सरल कर दिया जाए कि एक छोटा सा पान की घुमटी लगाने वाला हो या ठेला चलाने वाला हो, उसका भी ये सपना हो कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और वो सरलता से डॉक्टर बन जाए। इसलिए आप, क्योंकि आने वाला समय जो है, कोई सा भी युद्ध, अगर हमारे पड़ोसी देशों से भी कोई युद्ध होगा, वो युद्ध अब ये नहीं होगा कि तलवार या गोलियों से होगा, ये युद्ध कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीन ने हमारे साथ बदमाशी करी है और इस वायरस को यहाँ पर फैलाकर हमारा इतना नुकसान पहुँचाया, आने वाले टाइम में ऐसे ही परमाणु, ऐसे ही वायरस यहाँ पर आएंगे और हमारा नुकसान करेंगे, तो उसके लिए हमको पूरी तरह मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए शासन प्रशासन को चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधित शिक्षाओं को बहुत सरल और बहुत सस्ता करे। दीप जी, आपने कहा कि सामाजिक संगठन जो है उनसे पत्र लिए जाएंगे, समर्थन पत्र, और स्वाभाविक है सभी तैयार हैं समर्थन पत्र देने के लिए, क्या इसमें जो धार्मिक संगठन है, जैसे आप विश्व हिंदू परिषद का नगर का यहाँ पे अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी यहाँ पे धार्मिक वर्ग के लोग रहते हैं, उनके धर्म गुरुओं को बुलाकर उनसे अपील की जाए, कहीं ना कहीं जब समाज के अलग अलग धड़े खड़े होकर के एक स्वर में कोई बात कहेंगे तो उससे प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, देखिए, और अभी तक वो आगे नहीं आ पाए, क्या कारण? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि धरती हमारी माँ है, और दो लाइन से संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी अन्य अन्य समाज के लोग देख रहे हैं, अन्य अन्य संगठन के लोग देख रहे हैं, कि देखो वीर जवानों, अपने खून पर ये इल्ज़ाम ना आए
और माँ ना कहे कि वक्त पड़ा तो मेरे बेटे काम ना आए। आज समय है इस बहती हुई गंगा में डुबकी लगाने का, इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने का आज अवसर है। तो ये अवसर हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और आगे होकर जिसमें जो प्रतिभा है, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप में पत्रकारिता की खूबियाँ हैं, योग्यता है, आप पारंगत हैं, हमारे वारिस भाई अपना खुशी विडिविजन के माध्यम से पारंगत हैं, मैं अगर उद्घोषक के रूप में हूँ, आप समाज सेवक के रूप में, तो अपनी जितनी भी अपने अंदर योग्यता है उस सब योग्यता को इस कार्य में लगा देना चाहिए, क्योंकि आप भी कोई अर्थ के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ना ही इस चैनल के माध्यम से कोई अर्थ अर्जित किया जा रहा है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो जिसमें जो प्रतिभा है वो सब प्रतिभा इसके अंदर लगा दे और मेडिकल कॉलेज खरगोन में लाने का संकल्प हम पूरा करें, यही बात है। सचकारदीप जी, आपने इस संघर्ष में जो जो भी लोग शामिल हैं उनको एक सिपाही की तरह निस्वार्थ होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये खरगोन शहर को सौगात मिल पाएगी। लेकिन राजू शर्मा जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आप राजनीतिक रूप से भी काफ़ी विस्तृत आपका कार्य क्षेत्र है, आप मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की आपकी जो भी एक राजनीतिक चहलकदमी है उसमें आपने काफ़ी परिवर्तन भी देखा, राजनेताओं को नज़दीक से देखा। दीप जी ने जैसे कहा कि जो नेता हैं सिपाही, उनके घर से कभी पैदा नहीं होते, किसान के घर से पैदा होते हैं, मजदूर के घर से पैदा होते हैं, लेकिन सत्ता जो संभालते हैं वो उन नेताओं के घर से ही पैदा होते हैं, ऐसा क्यों है? और हमेशा उस सिपाही के खून से इबारत लिखी जाती है, लेकिन जो उसका पूरा श्रेय है वो हमेशा नेता ले जाते हैं। ये संगठन भी खड़ा हो रहा है, संगठन आज भी संघर्ष चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम खुद भी ये देख रहे हैं, यहाँ जो आते हैं प्रतिनिधि वो भी बात कर रहे हैं, आखिरी कड़ी जा कर के अटकी है उन्हीं नेताओं के ऊपर जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो किसी भी दल से अपना मतलब रखते हों, लेकिन खुली खुली बात यही सामने आ रही है कि सब कुछ जा कर के वही सत्ता के ऊपर अटक जाता है, सत्ता में बैठे हमारे ही प्रतिनिधि जो हमारे बीच से चुन के गए वही आज बेगाने नज़र आते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत सही बातें कही, बिल्कुल सत्य बात है कि नेता के घर से नेता ही पैदा होता है, और जो भी किसान आम सिपाही है वो दूसरे घर से पैदा होता है, वो कभी भी नेताओं के घर से पैदा नहीं होता है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन में अभी जैसे ये दो बार मेडिकल कॉलेज बनते बनते और यही नेताओं की निष्क्रियता के कारण या इन्हीं के कारण ये हो गया कि ये मेरे क्षेत्र में खुलना चाहिए, ये मेरे यहाँ बनना चाहिए, ये जो मैं की भावना आ गई थी कि ये मेरे क्षेत्र में ये करने, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाएगा। अब जो पिछली गलतियाँ थी वो सब ठीक है, लेकिन आज सारे नेताओं का परिदृश्य बदल गया है, आज सारे इस आंदोलन के माध्यम से सारे राजनीतिक दल के, भले कांग्रेस के नेता हो, हमारे लोकप्रिय सांसद हो, हमारे लोकप्रिय विधायक हो, राजनेता हो, पार्टी के संगठन के सारे लोग अब एकजुट हो गए हैं, और इसमें अब जनता भी शामिल हो गई है, और आपके चैनल के माध्यम से भी इस आंदोलन को जो नींव के पत्थर बन के आप इसको खड़ा कर रहे हो, तो निश्चित रूप से अब इसमें हमको नाकामी नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज खरगोन में ही खुलेगा, अब चाहे इसके लिए कुछ भी संघर्ष करना पड़े हम सब लोग अब तैयार हैं। राजू जी, ये कोरोना काल में आपने देखा कि इस क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, निमाड़ अंचल खरगोन जिला, इसमें जो मध्यम वर्ग से भी निचले स्तर का है, हमारे यहाँ पे मध्यम वर्ग की जो परिभाषा है वो राज्य शासन या वित्त मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उनसे एकदम मेल नहीं खाती, उससे विपरीत है, क्योंकि यहाँ हम मध्यम वर्गीय उसको कहते हैं जो प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहा टीचर है, जो 10,000 रुपये सैलरी पा रहा है, 8,000 रुपये सैलरी पा रहा है, अगर उस रेशो से हम देखें तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। इस कोरोना काल ने सारे रोजी रोजगार छीन लिए इस स्तर के लोगों के, जो मैंने आपको अभी बताया, राज्य शासन के द्वारा काफ़ी कुछ मदद की जा रही है, उससे हम इनकार नहीं करते, निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, काफ़ी कुछ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं जो पूरी तरह से बंद हो गए, केंद्र सरकार का पंचायतों में पैसा भी आया है, अभी तक ना तो मजदूरों के लिए रोजगार के कार्यक्रम बने हैं, शुरू करना तो दूर की बात है, ना ही अभी राज्य स्तर पे ऐसी कोई योजना बनी है कि वो लोग जो साल भर 1.5 साल से अपना रोज़गार खो के बैठे हैं, जिनका परिवार आज आर्थिक रूप से बुरी त्रासदी झेल रहा है, उनके लिए कुछ किया जाए, तो क्या आप नहीं समझते कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए?
मैं इस कोरोना काल में मैंने ये बात देखी है कि मैं और शासन प्रशासन का धन्यवाद भी सरकार का करना चाहूँगा कि इस पूरे लॉकडाउन के अंदर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सारे बड़े जो व्यापारी थे, दुकान वगैरह सारी बंद थी, लेकिन फिर भी उतनी सख्ती नहीं की गई कि बहुत सारे दुकानदार सामान बेच भी रहे थे। मजदूर वर्ग है बेचारा, वो काम कर रहा था, ट्रैक्टर चालू थे, डंपर चालू थे, सब्जियां बेचना चालू थी, मतलब मकान के कार्य जो थे वो भी इस लॉकडाउन में उनको भी प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इसलिए मैं मतलब इस बार जो सरकार ने लॉकडाउन में करा है कि पिछली बार क्या हुआ था कि जब कोरोना फैला था और पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा या कोई रोज़गार नहीं करेगा, सबके रोज़गार बंद थे। तो उस समय में वास्तव में बहुत विकट परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि मजदूर वर्ग और आम जो मध्यम वर्ग परिवार के ऐसे खाने के लाले पड़ गए थे। बहुत सारे मतलब मजदूर वर्ग को तो इधर उधर से मिल भी जाता था, लेकिन जो मध्यम वर्ग था वो तो बेचारा किसी से बोल भी नहीं पाता था कि मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता थी। लेकिन इस कोरोना काल में वो छूट दी गई सरकार के माध्यम से। लेकिन मैं और भी कहना चाहूँगा कि सरकार से, शासन से, राज्य कि ऐसी विकट परिस्थितियाँ भविष्य में भगवान ना करे ऐसी बने, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी जब भी ऐसी परिस्थितियों से निपटने का मौका आता है तो कुछ ना कुछ राहत पैकेज ज़रूर होना चाहिए कि वो छोटे मजदूर वर्ग को भी मिले, वो मध्यम वर्गीय परिवार को भी मिले और उनके लिए भी कुछ सुविधाएं, जो व्यापारी है जो पूरी तरह से GST भरता है, सारे टैक्सों का निर्वहन करता है, सभी चीज़ें करता है, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ आपदाएँ विपदाएँ ना शासन ध्यान देता है ना प्रशासन ध्यान देता है और उनको पूरी तरह से दबाया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। सभी को एक नज़र से देख के जितना भी हो सके राज्य शासन को, केंद्र शासन को सभी की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे लोगों के पिछले कोरोना काल से व्यापार, बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए, बहुत सी दुकानें बंद हो गई। तो इस ओर भी जब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि छोटे छोटे, क्योंकि अपने खरगोन शहर में तो अभी ये है कि कोई भी कोई बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब खरगोन शहर इस मामले में जीरो है। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को ध्यान देके यहाँ पे छोटे छोटे रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ, कोई ऐसा बड़ा निवेश हो करना चाहिए, और ये मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो बहुत हद तक हमको सभी को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। कोरोना काल में हमने अपनों को खोया, एक बड़े दर्द से होकर के हम गुजरे, हमारी आँखों के सामने हमारे अपने तड़प तड़प के जान दे गए और हम खड़े खड़े देखते रहे। कारण सिर्फ यही रहा कि एकाएक आई इस लहर में हम उन संसाधनों को जुटा नहीं पाए जो संसाधन उस समय जो मौतों के आंकड़े उनको कम कर सकते थे। लेकिन इस दुख की बयार में भी रोटरी क्लब, मेरा प्यारा खरगोन ग्रुप, खालसा की फौज और कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जो भी मदद कर सकते थे, भोजन की हो, ऑक्सीजन की हो, आर्थिक हो, वाहन से कहीं यहाँ से वहाँ ले जाना लाना हो, ये सारी मदद उन्होंने घर के दरवाजे पर पहुँच की। उन्होंने उन अस्पतालों के दरवाजों पर खड़े होकर के भोजन दिया मरीजों को, उनके परिजनों को। दीप जी, तीसरी और चौथी लहर की बात की जा रही है, ब्लैक फंगस की शिकायतें भी आ रही हैं। हमारे प्रदेश में वैसे अभी कम है ये मामले, लेकिन खरगोन जिले को हम अगर देखें, मेडिकल कॉलेज तो ठीक है स्थापित होगा, लेकिन वर्तमान में ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं होना चाहिए जिससे हम आने वाली तीसरी और चौथी लहर है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें। जैसे ऑक्सीजन था, ये बहुत सारी चीज़ें की कमी रही। किसी ने कहा है कि ठोकरे खाकर भी तू ना संभला, ये तेरी बदकिस्मती है, वरना रास्ते के पत्थर तो अपना फर्ज अदा किया करते हैं। एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, ये दोनों लहरों के बाद अब हम सबको सजग होना चाहिए। सरकार अपने स्तर पे सजग हो, आम व्यक्ति अपने स्तर पे सजग हो, क्योंकि पहली लहर के बाद ये माना जाने लगा था कि कोरोना की विदाई हो गई है, लेकिन कोरोना दूसरे स्वरूप में हमारे बीच में वापस आ गया और उसने इतना भयावह वातावरण बना दिया कि दूसरी लहर में कई युवा इस काल के ग्रास में समा गए। तो अब हमको सजग होना पड़ेगा,
वो कोरोना के जितने नियम हैं उन सबको पालन करना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थान पे हमें मास्क लगाकर जाना होगा, अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा, दो गज की दूरी बना के रखना पड़ेगी, और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो चिकित्सकों से जुड़ी हुई हो, ये सब सेवाएं, ये सब बातें हमको यहाँ पर करके रखना पड़ेगी, तभी हम आने वाली लहरों से मुकाबला करेंगे। और निश्चित तौर पर सकारात्मक सोच का शुरू में मैंने उल्लेख करा था, सकारात्मक सोच लेकर ही हम चल रहे हैं कि भगवान की कृपा रहेगी और आप किसी भी प्रकार की कोई भी लहर भारत में नहीं आएगी, हम सब सजग रहेंगे, हम सब मजबूत रहेंगे, ये पूरा विश्वास है। कार्यक्रम के अंत में मैं राजू शर्मा जी आपसे चाहूँगा कि कम शब्दों में बड़ा संकल्प एक मेडिकल कॉलेज को लेकर आपकी तरफ से क्या होगा? ये मेडिकल कॉलेज हमारा ना होते हुए केवल ये मेरा मेडिकल कॉलेज है, हम सारे लोग यही सोचे कि ये मेडिकल कॉलेज मेरे लिए खुल रहा है, और इस जन आंदोलन में, इस आंदोलन में जो भी तन मन धन से सहयोग होगा मैं निश्चित रूप से दूंगा, और इस आंदोलन की पूरी तरह से, जब तक ये आंदोलन पूरा मेडिकल कॉलेज यहाँ खरगोन में बंद नहीं जाएगा, मैं कंधे से कंधा मिला के संगठन के साथ चलूँगा, यही मेरा संकल्प है। दीप जी, आपसे भी हम जाते आते आपका जो संकल्प है चाहेंगे एक बार और दोहराएं। वो संकल्प निश्चित तौर पे पूर्ण होगा, क्योंकि एक छोटी सी बात के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि एक छोटी सी नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन आखिर में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये निश्चित तौर पर पूरा विश्वास है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, हम सबके प्रयास से, हम सबके संकल्प से बनेगा, हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही इसके माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगा, छोटा सा संदेश है, वो ये कि हम नकारात्मक बातों को ध्यान ना दें। इस डिबेट के अंदर भी जितने वक्ता आए, जितने बुद्धिजीवी आए, पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ें। छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, मैं मारवाड़ का रहने वाला हूँ, राजस्थान में कहावत है कि जब बेटा घोड़ी पे चढ़कर दुल्हन को लेने जाता है तब एक रस्म अदायगी होती है, घर की पुरानी सब महिलाएं आकर बैठ जाती है और वहाँ फिर वो अपने पुराने लोगों को याद करती कि अरे आज तो इस दूल्हे का दादा होता तो देखकर बड़ा खुश होता, उसका परदादा होता तो देखकर बड़ा खुश होता कि घोड़ी पे जा रहा है। उस समय घर का मुखिया आकर बोलता है कि ये रांडी उन्हें छोड़ो और अब बेटा दूल्हा बनकर दुल्हन लेने जा रहा है तो उसकी खुशी और उसकी प्रसन्नता में शामिल हो जाओ। इसलिए सबसे निवेदन करूँगा कि फलाना नेता वहाँ पर ये ले गया, ढिकाना नेता वो ले गया, ये सब बात छोड़कर सब एक संकल्प लें, एक सूत्र में पिरो जाएं कि हमको खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज लाना है। बहुत ही अच्छा, आप दोनों ने जो भी अपना संकल्प दोहराया सही है, समन्वय, अनुशासन और एक रूपता जब तक किसी संघर्ष में नहीं आती है वो लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होता है। लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज को लेकर संघर्ष खड़ा हो रहा है इसमें एक रूपता भी है, अनुशासन भी है और समन्वय भी है, और उसी को लेकर के धीरे धीरे बड़ा रूप लेते जा रहा है। और आप लोगों के जो संकल्प हैं, हमारे मेहमानों के जो संकल्प हैं, आम जनता को में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है, उनकी जो चाहत है मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर, वो निसंदेह होगा, उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट वो नहीं आने देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात कही और इस विषय को लेकर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आज स्टूडियो में उपस्थित हम दोनों मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। आगे फिर आप किसी नई शख्सियत के साथ बैठकर मेडिकल कॉलेज के विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेता